पर मामला कहाँ आ गया? पुलिस के हाथ से निकलकर दूसरे हिस्से में आ गया। इनिशियल चार्ट बनाया हमने, पुलिस की पावर्स और कोर्ट की पावर्स, सब सीआरपीसी में डील हो रही। सेक्शन 173 की चार्जशीट कोर्ट में आने के बाद मामला कहां आ गया? कोर्ट में आ गया, पुलिस के हाथ से बाहर। वंस द चार्जशीट इज फाइल्ड देन कम्स द कोर्ट, और कोर्ट में आने के बाद डिसाइड करना जरूरी है कि कौन से कोर्ट में आएगा। सो चैप्टर 13 टॉक्स अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। सी डिड इट? अच्छा अमित, ब्रेक चाहते हैं? आप सब चाहते हैं? हाँ, इतनी जोर से? अरे वाह, चलो ठीक है, ऑल राइट। आप लोगों के पास मोबाइल सबके पास है? होनी चाहिए, सीआरपीसी हो या ना हो मोबाइल जरूरी है। ओपन योर मोबाइल और यूट्यूब निकालिए। टाइप माय नेम इन द सर्च, PUNEET पुनीत चतुर्वेदी, CHATURVEDI एडवोकेट। ज्योति, आपके पास मोबाइल नहीं है पर यूट्यूब नहीं है? अच्छा अच्छा, यू आर गुड गर्ल, आई लाइक यू। सारे बच्चे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ अलग वजह से आपको, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो इस वक्त आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए, पर मैं अभी ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला कि मेरे बाल बिखर गए हैं और पुराने वाले वीडियो में शायद मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, तो आप लोगों से पूछूं कि मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं, नहीं तो ये वाला वीडियो निशित भैया लोग शायद ना देखें, अरे कितने गंदे लग रहे हैं। तो स्मार्ट लग रहे हैं ना? तो जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो, उनको तो बहुत सारे और भी मिलेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर लें। और ज्योति तो बहुत ही गुड गर्ल है, तो बहुत सारे इसने सब देख लिए हैं, वेरी गुड। आप सबने देखे हैं और भी वीडियोस? अच्छा गुड, आई एम हैप्पी, वेरी वेल। मूविंग अहेड, मामला कोर्ट में आ चुका है। तो चैप्टर 13 डिसाइड्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इज इट क्लियर? किस कोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी चार्जशीट सबमिट होने के बाद? चैप्टर 13। चैप्टर 14 टॉक्स अबाउट द कंडीशंस फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स। चैप्टर 14 टॉक्स अबाउट द कंडीशन फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स, जिसमें कोर्ट देखता है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और क्या होनी है। इसके बाद चैप्टर 15 टॉक्स अबाउट कंप्लेंट। तो ये चैप्टर 12 से अलग चैप्टर 15 क्यों है? कंप्लेंट तो चैप्टर 12 में 154 155 में हो चुकी। हाँ निश्चित, क्या कह रहे हैं आप? यू आर टॉकिंग, वेरी गुड, क्लैप फॉर निशित। चैप्टर 12 की कंप्लेंट पुलिस को हुई है, वेदर इट इज FIR और NC, अंडर सेक्शन 154 और 155। चैप्टर 15 विच बिगिंस फ्रॉम सेक्शन 200 गोज अप टू सेक्शन 203, ये कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को हो रही है।
directly you are lodging the complaint in the court under section 200 chapter 15. ठीक है, तो ये वाली कंप्लेंट में हम और आप सब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फ्यूचर लॉयर के रूप में 200 की कंप्लेंट तो आपके थ्रू होगी, क्लाइंट आपके ऑफिस में आएगा, आपसे कहेगा साहब एक कंप्लेंट करनी है, फिर आप अपनी फीस बताएंगे, आपकी दुकान चल पड़ेगी, तो 154 वाली कंप्लेंट से हमें क्या लेना देना, ये तो डायरेक्ट पुलिस के पास चला गया. 200 वाली कंप्लेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, आओ आओ क्या खबर लाए हो. और कई बार 200 की कंप्लेंट के अलावा एक और कंप्लेंट कोर्ट में होती है, दैट इज अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, जो चैप्टर 12 का ही ऑफशूट है. अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, जहां पर पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया. आप एफआईआर लिखाने गए पुलिस स्टेशन, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, ये कुछ अनहर्ड ऑफ है, आपको कुछ अटपटा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, ये तो कॉमन है, पुलिस मना ही करती है, एफआईआर लेती ही नहीं है, तो ज्यादा कॉमन है कि पुलिस मना करती है. और पुलिस मना करती है तो 156 में नेक्स्ट स्टेप है कि आप पुलिस स्टेशन में अगर आपकी कंप्लेंट एफआईआर नहीं ली जा रही है, यू कैन रिपोर्ट दैट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि द पुलिस स्टेशन इज नॉट रजिस्टरिंग माय कंप्लेंट. आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है तब 156(3) में आप कोर्ट आ सकते हैं अपनी कंप्लेंट कोर्ट में दिखाने के लिए कि सर ना तो पुलिस स्टेशन सुन रहा है ना सुपीरियर पुलिस ऑफिसर सुन रहा है. सो प्लीज गिव अ डायरेक्शन टू द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड बिगिन द इन्वेस्टिगेशन. तो ये भी हम लोगों के मन की कंप्लेंट है, लॉयर का काम शुरू हो गया 156(3) की कंप्लेंट. और इसीलिए अधिकतर सारे समाज को पुलिस से बड़ी शिकायत रहती है. कोई मिला आज तक आपको जो पुलिस की तारीफ करता घूम रहा हो? नहीं मिला ना? कोर्ट आइए, लॉयर्स लोग बड़े खुश हैं, अरे भैया जितने आप नॉन कोऑपरेटिव उतनी हमारी दुकान चल रही है. क्योंकि अगर पुलिस इतनी कोऑपरेटिव होती, सारे एफआईआर रजिस्टर हो रहे होते, तो कौन आता लॉयर के पास? तो लॉयर बड़े खुश होते हैं, जितनी नॉन कोऑपरेटिव पुलिस उतनी दुकान चलती है. तो दो दुकान तो आपकी मैंने खोल दी, 156(3) की और सेक्शन 200 की, एक चैप्टर 12 में एक चैप्टर 15 में. क्लियर? अब प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट है. 156(3) में योर प्रेयर विल बी टू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड बिगिन द इन्वेस्टिगेशन. पर सेक्शन 200 में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होती. इन द कंप्लेंट ऑफ सेक्शन 200 द कोर्ट डायरेक्टली इश्यूज प्रोसेस टू द अक्यूज्ड, समनिंग हिम टू अपियर बिफोर द कोर्ट. 156 में डायरेक्शन किसको हो रहा है? पुलिस को. और 200 में किसको डायरेक्शन हो रहा है? अक्यूज को. अपियर एंड एक्सप्लेन. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? लेट्स मूव अहेड. चैप्टर 16
commencement of proceedings in the court. Complaint ho gayi, FIR bhi samajh liya aapne, to ya to police ke through ho gayi ya directly court mein ho gayi. Dono tarah ki sab complaints, ab jo kuch bhi hai complaint court mein aa gayi. Therefore the court begins commencement of the proceedings. That is under chapter 16. Then comes another very important chapter 17, jahan par court is framing the charge. Charge is under chapter 17, beginning from section 211, runs up to section 224. Charge is framed by the court. Now please remember, it's another vital stage of the criminal proceedings. Now framing of charge is different from charge sheet. Please remember this distinction, because normally people get confused. Charge sheet is under section 173. Charge sheet is submitted by police to the court. Whereas now we have come to section 211, where the court is framing the charge. So there is a distinction between charge sheet and framing of the charge. Charge sheet is where the police has made its charges. But the court is not bound by the police's charges. The court is not bound by the charge sheet submitted by the police. The court would examine that charge sheet. The court would examine the defense. The court would listen to the witnesses of defense also, along with the prosecution. And that stage is called evidence before charge, where the court examines ki prosecution ki story mein kitna dam hai aur defense mein kitna dam hai. Uske witnesses examine kar sakte hain. Uske baad jab court ko lagta hai ki ye charge sheet mein itna sab inhone jo charges lagaye hain utne charge bante nahi hain, या उससे ज्यादा चार्ज बन रहे हैं या कम बन रहे हैं या गलत चार्ज लगाया है, तो कोर्ट अंडर सेक्शन 211 ऑनवर्ड्स फ्रेम्स द चार्जेस. ये जो चार्ज फ्रेम होते हैं ये ग्राउंड्स हैं जिन पर ट्रायल आगे चलेगा. पुलिस की चार्जशीट पर ट्रायल नहीं चलता. ट्रायल चलता है उन चार्जेस पे जो कोर्ट ने फ्रेम किए हैं. बात समझ में आ गई? और इसीलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक वाइटल स्टेज है, क्योंकि फ्रेम अगर किया है चार्ज कोर्ट ने तो ये माना जाता है कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट. प्राइमा फेसी मतलब एट द वेरी बिगिनिंग, ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तो है, क्राइम तो हुआ है.